बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। आज हम शेयर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे टर्मिक यानी कि शलगम से। बहुत से लोग शलगम खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट शायद आप नहीं जानते। इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन और मेगा 3 फैटी एसिड्स का। आज हम आपके साथ इसकी अच्छी रेसिपी शेयर करेंगे, और इसके साथ आपको हेल्थ बेनिफिट भी मिलेंगे और टेस्ट भी मिलेगा। हमने यहाँ पे शलगम लिए हैं, ये सबसे पहले हम काट लेंगे, इनके जो पत्ते हैं वो भी हम काट के यूज़ करेंगे। तो हम आगे पीछे से शलगम को काट लेंगे, इस तरीके से हम जो छिलनी होती है उसे छील लेंगे। आप चाहें तो छिलके के साथ इसे धोकर भी बना सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे, हम इसे चार भाग में कट करेंगे आलू की तरह। अब देख सकते हैं कितने अच्छे टुकड़े हमने काट के रखे हैं। इसी तरीके से हम इसके पत्ते हैं थोड़े मोटे मोटे काटेंगे, जिससे हमारे शलगम की साग है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो अब इसे हम धो लेंगे 3-4 बार पानी से, क्योंकि गंदगी होती है वो धोने से निकल जाएगी। हम इसे धोकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। कढ़ाई में हम 3 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। हमने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहें कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल के गरम होते ही सबसे पहले हम इसमें हींग ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे तड़क जाए इसके बाद में हम इसमें लहसुन डालेंगे। 2 प्याज हैं मीडियम कटी हुई, तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अदरक डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, ताकि प्याज है वो पक सके। प्याज को हमें गोल्डन करना है, याद रखें प्याज को हमें चला चला कर भूनना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो प्याज है वो जल जाएगी। प्याज भुन चुकी है तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो हमने यहाँ पे शलगम आलू लिए हैं, आलू के टुकड़े और शलगम के टुकड़े हमने 1 से काटे हैं बराबर। आप अपने चॉइस के हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। इन्हें अच्छी तरीके से धोकर हम इस प्याज में डाल देंगे, मसाले में। प्याज भूनते समय गैस का फ्लेम लो रखें। तब आलू और शलगम डाल देंगे। हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों को आलू के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखें ताकि आलू और शलगम जले ना। तो अब सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले में हमने हल्दी पाउडर लिया है 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच नमक। इन मसालों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे हम शलगम के साथ, आलू के साथ। जब 5 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। चीनी से जो हमारी शलगम है वो काफ़ी अच्छी बनेगी। 5 मिनट हो चुके हैं, तो खोल के चेक कर लेते हैं। शलगम आलू दोनों पक चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे शलगम के पत्ते। अगर आप चाहें तो शलगम के पत्ते भुजिया की तरह ही बनाकर खा सकते हैं, इसके पराठे भी बनाकर खा सकते हैं। हरी सब्जियां लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, इससे जो लोहे की कढ़ाई का जो आयरन है, विटामिन है,
फाइबर वो आपके बच्चों को आपको बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में सब्जियाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं हरी। आप कोई सी भी सब्जी बना सकते हैं लोहे की कढ़ाई में। धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे इन मसालों के साथ, शलगम के पत्ते हैं। हमने इसमें चीनी डाली है, चीनी हमने इसलिए डाली क्योंकि जो हरी सब्जियां होती हैं वो काली नहीं पड़ती हैं इसमें लोही कढ़ाई में। तो हम इन्हें 5 मिनट के लिए कवर और कर देंगे ताकि जो शलगम के पत्ते हैं वो पक सकें जल्दी से। 5 मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं ये कितनी अच्छी साग बनी है। आप इसको साग भी कह सकते हैं, आप इसको भुजिया भी कह सकते हैं। देखिए आलू भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इस साग को आप कभी भी बना कर खा सकते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, और बच्चों के लंच में भी बना के दे सकते हैं। इसके पराठे भी आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो साग बनकर रेडी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।